जिस काम के लिए मैं इधर कुवैत आया था ना आज, और ये मेरी एक महीने की पगार। किसी को भी खजूर खाने हो तो संपर्क करें। और एक गधा और आ गया। नमस्कार मैं बंधु, माँ चंद्रमणि की कृपा से होंगे सब रांची खुशी। हो चुका आपके लिए नया ब्लॉग शुरू, और दिन प्रतिदिन आ रही है मेरे फ़ोन के साथ दिक्कतें। क्या करूँ यार, मैं अभी तो फिलहाल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और मेरा फ़ोन में ना पता नहीं ना, अभी मैं कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से, हाँ ब्लॉग शूट मतलब, तो इसका जो है ना मतलब वो 3 सेकेंड रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे पहले का भाई। इतना वो क्या बोलते हैं, इम्तहान की घड़ी ही थी इसकी ये, और ये फेल हो गया। मैं फेंक देता इसको। तो चलो फिलहाल तो गाड़ी का कर रहे इंतज़ार। और यहाँ वैन मेरे रूम के सामने जस्ट सामने होती है जी वैगन खड़ी, उनको देखो अच्छा लगता है। बस तो जी गाड़ी आएगी तो जाएंगे शिफ्ट में फिलहाल, अब मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में। यहाँ जी आ चुके हैं अब अपनी गाड़ी, और अब जा रहे हैं हम। ये रही हमारी धन्नो, और वहाँ के धन्नो के धावक। दरवाज़ा बंद कर दे तो मैं जब, हाँ आप कहाँ इतना कष्ट करोगे। बैठ गए गाड़ी में, अब निकल रहे सीधा शिफ्ट के लिए। अब देखो सीधा जाएंगे शिफ्ट पे, रास्ते दिखाने दिखाने जाएंगे आपको कैसे कैसे हम शिफ्ट पे पहुँच गए हैं। चलो पहुंच लिए हैं शिफ्ट पे। 7 बजे यहाँ लगता है जैसे दिन की 1 बज रही हो। गया गर्मी से बुरा हो गया मेरा, यहाँ काला हो गया मैं गर्मी में। ये अंगूठा छे, मैं तो साइन करता हूँ, अंगूठा तो मैं लगाता ही नहीं, मैं क्या करूँ, साइन करूँगा ना मैं तो। इस वाले अंगूठे से नहीं लेता मेरा ये वैसे। जी आ चुके हैं अपनी किचन में गधा मजदूरी करने के लिए, और शुरू करते हैं हम। अब सीधा मैं आपको मिलूंगा जब मेरी शिफ्ट खत्म होगी, क्योंकि उससे पहले टाइम ही नहीं लग पाता मेरे को। तो चलो जी, और एक गधा और आ गया। रुबेन कैसा है, मियाँ मियाँ अच्छा। तो जी फाइनली जिस काम के लिए मैं इधर कुवैत आया था ना आज, मतलब काम तो खैर होटल में काम करने के लिए आया था, बट जो केडी कमाने के जो दिनार कमाने के लिए इधर आया था ना, आज मिलेगी दिनार। परसों सब लोगों को सैलरी मिली थी, मेरा बीच में ऑफ था, तो कल पता नहीं कुछ ऐसे हो गया नहीं मिली, तो आज अभी फिर बुलाया है। हाँ तो इस कड़ाके की धूप में अभी निकल रहा हूँ मैं, आगे आएगी गाड़ी, जाऊँगा तो गाड़ी में, पैदल तो नहीं जाऊँगा भाई मैं। तो चलो जी चलते हैं आगे, देखते हैं कब तक आएगी हमारी गाड़ी। अभी यहीं पर आएगी गाड़ी, वेट करता हूँ मैं गाड़ी का अभी, तो मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है कसम से धूप में। अभी छाया ढूंढता हूँ मैं कहीं अपने लिए, किसी बिल्डिंग के नीचे जाता हूँ, देखता हूँ फिर। गाड़ी 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 तो आई नहीं, पर मेरे को ना एक जानकारी मिली है यार इधर, मतलब जैसे इंडिया में ना मैंने देखा है दिल्ली साइड जब मैं जॉब करता था, तो ना वहाँ लू बहुत ख़तरनाक चलती थी, यहाँ गर्मी मतलब है उससे ज़्यादा है नो डाउट, बट जो है ना मतलब इतना वो मतलब हवा जो है ना वो ठंडी है इधर की, और पता नहीं कहाँ से है क्यों है, क्योंकि बगल में सी साइड है, तो या तो उसकी वजह से है जो भी होगा, बट इधर की हवा ठंडी है। मैं ये पेड़ भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, यही वाला पेड़ दे रहा है मेरे को अभी ऑक्सीजन। गाड़ी तो आ नहीं रही हमारी, करो जी इंतज़ार। वो कहीं मेरे को अपनी गाड़ी दिख रही है, ये वाइट कलर की जो है ना शायद, तो देखते हैं मैं अपनी गाड़ी को पहचान पाया नहीं पहचान पाया। ये लो जी आ गई हमारी कार। फाइनली पहुंच गए अपने हेड ऑफिस, आज मैं दूसरी बार आ रहा हूँ इधर, तो चलो चलते हैं अंदर। अरे पे इतनी खुशी, और ये मेरी एक महीने की पगार। पहले महीने की पगार, उसमें जो 20 KD एडवांस दिया तो काट ले रहे हैं। इतनी कंपनी है ना मतलब एम्प्लॉय को यार 20 KD तक नहीं दे पाई बहन बेचारी, बहुत गरीब कंपनी है हमारी बेचारी है। तो चलो अभी बैठते गाड़ी के अंदर, बहुत गर्मी हो रही है। चलो जी, तो जी हो चुकी है छुट्टी, अब जा रहा हूँ मैं रूम पे,
और सैलरी मैंने इधर दे दी एक शेफ को जो मतलब हमारे इंचार्ज है, तो क्योंकि मेरी अभी सिविल आईडी आई नहीं है तो मतलब मैं उनको इंडिया ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, उन्हीं की सिविल आईडी पे होंगे। तो चलो देखते हैं कब तक जाते हैं पैसे और कितने जाते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने मेरे को बताया था कि जो रेट मतलब अभी ऑनलाइन चल रहा है ना उससे मतलब कुछ पैसा कम मिलता है, मतलब जो इनके जो ये एक्सचेंज वाले होते हैं। तो देखते हैं कितने पैसे खाते हैं मेरे। तो चलो गाड़ी ढूंढते, गाड़ी भी नहीं आई अभी हमारे वाले। इस गर्मी में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है गाड़ी ना आने का, फिर इस धूप में खड़े रहो यहाँ। यहाँ पे तो छाया है बट अच्छा है। चलो हम अपनी गाड़ी ढूंढता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। किसी को भी खजूर खाने हो तो संपर्क करें, पर अभी कच्चे हैं यार ये, जब पक जाएंगे तब संपर्क करें, हाँ अभी ना करें। अब गाड़ी तो आई नहीं तो मेरे को दिखे खजूर के पेड़। ये लो जी खजूर भी, हाँ। और जो मतलब ये है ना इसका हम झाड़ू बनाया करते थे, जो ये खजूर के मतलब वो है ना पत्ती, इनके हम झाड़ू बनाया करते थे, क्योंकि हमारे जंगल में ये उत्तराखंड में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, बहुत छोटे छोटे हैं, बेचारों को पानी नहीं मिल पाता ना, इसीलिए ये वो हो गए कुपोषण के शिकार। बट अच्छे यार इनमें खजूर ज़्यादा है। तो चलो गाड़ी ढूंढता हूँ मैं। तो जी फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम जाएंगे इसमें अपने रूम पे। चलो यार थक गया हूँ आज बहुत। लाइट के ले रहे हैं मजे और अब हो गई ग्रीन। ये बहुत रेड लाइटें हैं यार इधर कुवैत में, मेरे को लगा इंडिया इंडिया में होंगी, इधर बहुत सारी हैं जी। उतर गए गाड़ी से, गाड़ी को बोल दिया मैंने अलविदा कल सुबह तक के लिए, कल सुबह फिर उससे वो करेंगे वार्तालाप। चलते हैं अभी रूम पे। तो क्या लगता है आपको, आलसी हूँ क्या मैं ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, रूम पे आए थे, खाना वाना खाए और फिर सब लोगों के साथ थोड़ा सा बैठे थे, तो फिर मतलब ऐसे बस। तो यही है यार, अब क्या करें, थक जाता हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए। बाकी चलो जी इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार तुम ना, चैनल सब्सक्राइब हो रहा है कुछ तो कर दो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ जय हिंद जय उत्तराखंड।